तो भाई आज है दिवाली, तो सबको हैप्पी दिवाली गाइस। और आज हम लोग खूब सारे पटाखे लेके आएंगे, तो अफान को भी हम लोगों ने अभी बुला लिया है। तो भाई आज क्या प्लान है? आज दिवाली है, आग मारना है आज वो। आज हम लोग जाएंगे इतने बड़े बड़े पटाखे लेने, तो पैसे तो भाई पैसे निकालो, पैसे निकालो। हाँ चलो तुम्हें पैसे। चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाय सुट्टा बार, वहाँ चल के प्लानिंग करेंगे कितने बड़े बड़े हम लोग को पटाखे लेके आने हैं, तो रशियन या फिर इंडियन। नहीं नहीं चलो, तो चलते हैं हम लोग पहले चाय पीने, कॉफी पीने। तो भाई यहाँ इमली तोड़ी जा रही है, इमली के पेड़ से देखिए डंडा बांस चल रहा है, और ये आतिफ हमें इमली दे रहे हैं, इनकी पॉकेट में देखिए कितनी इमली, ये इमली पूरी इमली भरी है गाइस। तो अब हम लोग इसे खाते हैं। अरे थोड़ी ज्यादा दे दे यार। तो भाई साहब हम लोग चाय सुट्टा बाहर आ गए, और हम लोगों ने कॉफी मंगाई दो और चीज गार्लिक ब्रेड, जो कि हमारे अफान भाई बहुत ही रहम दिल के। सो अब इसको खाते फटाफट से, क्योंकि भूख लगी थी थोड़ी सी, तो खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग घर। भाई साहब हम लोग खा पी के निकल चुके चाय सुट्टा बाहर से, अब हम लोग चलते हैं वापस अपने घर। तो अफान की स्कूटी हम लोग चलाते हैं, तो चलते हैं हम लोग। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर खा पी कर, और अभी हम लोग आए तो देखा ये दोनों तोते हमारे जो है मटके में जा रहे हैं, पूरा मटका गंधुआ है तक जा रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों को देना है अंडा, तो कुछ दिनों में शायद दे दे ये लोग। अभी तो हम लोग चलते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग। तो भाई साहब अभी हम लोग को फैसल का कॉल आया था, कुछ काम से उसको जाना था, तो हम लोग चल रहे हैं स्कूटी लेके अपनी। अनस कहाँ गए? हाँ ये अनस आ गया गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी स्कूटी निकालते हैं काली वाली, और फिर चलते हैं फैसल के पास, देखते हैं क्या काम है उसको। तो भाई साहब फैसल आ चुके हैं यहाँ पे, और इनको कुछ काम है पता नहीं आईटीआई के पास, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इनके साथ क्या काम है इनको। तो भाई साहब यहाँ फैसल आया, उसको भूख लगी थी जॉयस कैफे में, पिज्जा विज्जा लेने वगैरह कुछ आया, तो अंदर हम लोग अंदर से बाहर आ गए। सो अब उसका वेट करते कब तक वो आएगा, हम लोग भी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है कैसा है, तो चलते हैं फिर अंदर। तो भाई साहब अब हम लोग जा रहे हैं अपना कोट लेके ढीला करवाने के लिए फैसल, तो चलते हैं फटाफट से इस कोट को लेके। लियो पकड़ो पकड़ो, गुड। तो भाई साहब अभी हो गई चुकी है रात, और इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, तो हम लोग सलमान के साथ जा रहे हैं पटाखा लेने। तो भाई कैसे पटाखे लाने? आज जी भर के पटाखा लाएंगे, मोटा मोटा पटाखा लेंगे, आज पटाखा ही पटाखा। लो 200 रुपए में कितना पटाखा मिलेगा, चलते हैं पटाखा लेने। कितना? 200 नहीं 2000। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉमसन मैदान में, जैसा कि आप लोग देखिए इतनी बड़ी पूरी पटाखे की खाली बाजार लगती है, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं लेने के लिए पटाखे, तो चलते हैं। और ये देखिए अफान फैसल लोग भी आ गए, बाकी तौसीफ भाई हमारे साथ थे। क्या हुआ आज? आज कैसे पटाखे लेने बताओ? अबे आज तो पूरा गोंडा जाए। तो तौसीफ भाई आज क्या करना है? भाई अभी तो पटाखे वो चोरी करने का प्लान है, पटाखे लेने का प्लान था पर... भाई साहब मतलब ये लोग चोरी करने के लिए आए हैं पटाखे की, ये लोग चोरी करेंगे, लेकिन बाहर इतनी फोर्स है अंदर भी, और देख लिए फायर ब्रिगेड भी दूर खड़ी है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी दुकान से चोरी है खरीदना है, तो चलते हैं। आज जानते हो रशियन बराबर पटाखा लेंगे 6000 रुपए का पूरा, ये तुम आधा समझे कि नहीं? आज बहुत अफान भाई हमारे सैड है, क्योंकि इनका मोबाइल टूट गया है, तो कोई बात नहीं। पटाखा भाई साहब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी, समझ नहीं आ रहा किस दुकान से शुरू करें, क्योंकि काफी पैसा है, तो ये सब दुकान तो हमारे पैसों के आगे छोटी पड़ गई है। ये सब दुकानें हमारे पैसों के आगे छोटी पड़ गई है, इतना ज्यादा पैसा हम लेके आए। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, पूरा मैदान ही खरीद ले, क्योंकि कार में रखा है पैसा, थार के अंदर पूरी डिग्गी भरी है, तो पूरा मैदान अभी हम लोग जस्ट 5 मिनट के अंदर पूरा मैदान खरीद सकते हैं, है ना? 5 मिनट। तो भाई साहब अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दुकान पे, जहाँ रशियन बराबर हम लोग पैसे मतलब पैसे खर्च करेंगे, और वहाँ से लेंगे मोटे मोटे पटाखे, जो कि दगने के बाद क्या क्या दग जाएगा उससे फिर पता नहीं चलेगा। और ये मैदान में हम कितना मैच खेल चुके हैं किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब सोया बताओ फैसल भाई और क्या लेना है?
तो भाई साहब हम लोगों ने ले लिए पटाखे ये हमारे, और भी लेने थे पर अफान भाई का मूड नहीं ठीक था तो हम लोगों ने और नहीं लिए, इतने में ही हम लोग पटाखे लगाएंगे। सो ये दुकान से लिए, दुकान नंबर है ये कान का है 79 है ना, हाँ हाँ 79 है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं घर और दगाते हैं पटाखे, बहुत सारे मोटे मोटे पटाखे लिए गाइस। तो भाई साहब हम लोग इस बार ज्यादा पटाखे नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास पैसे खुद के नहीं थे, अगले साल इंशाल्लाह जब खुद कमाने लगेंगे सो हम लोग फिर मोटे मोटे पटाखे रसियन के बराबर पटाखे लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, अरे सामान ले आए, कुछ नहीं, चलो तो चलो रखो। तो भाई साहब हम लोग आ गए रुद्र के पास क्योंकि आज इनका है त्योहार है, तो आप हम लोग को मिठाई विठाई खिलाएंगे, जाओ जल्दी से लेके आओ। और गाइस बहुत ही खुशी की बात है, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ है ना। और इनसे थोड़ा सा पटाखा वटाखा भी ले लेते क्योंकि मेरे डिग्गी में मिठाई रखी है दिखा। तो भाई साहब ये रही रुद्र के घर पे दिया रखे, तो एक ठो गायब कर लेते हैं, अगर रुद्र भाई व्लॉग देख रहे तो माफ करना। अच्छा एक तो वापिस लगा लेते हैं, लगा लेते हैं यार, बुरा बुरा मान जाएगा था, लगा दिया। तो भाई साहब रुद्र को पहनाने के बाद हम लोग मिले, मतलब हम लोग को अब वो पटाखे ला के देगा और हम लोग साथ में लगाएंगे उसके है ना। सो अब रुद्र का वेट करते, इतना मनाना पड़ा उसे कि भाई लेके आओ लेके आओ, वरना वो कह रहा था बहन का है या दोस्तों के पास रखा है, बहाना बना रहा था। बताइए अब हम लोग के साथ भी दिवाली नहीं मना सकते। अफान भाई सैड मत, खुश हो जाओ। खुश है, हाँ गुड। तो भाई साहब रुद्र को मनाने के बाद इतना पटाखा हम लोग के पास आ गया, अब हम लोग सोच रहे हैं इसको लेके चलते हैं घर, लेकिन वो बोल रहा है हम लोग के साथ ही काटो है ना, हम लोग के साथ ही मतलब दगाओ वगाओ। तो अब देखते हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब हम लोगों ने दिया अपनी जलाली, मतलब इसको क्या बोलते छुछड़िया पे पावर रॉकेट लगा रहा है। हैप्पी दिवाली तो भाई साहब सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, सब लोग बोल दो एक बार हैप्पी दिवाली सबको गाइस। भाई साहब रोज हमारे लिए मिठाई लेके हैं, सबके लिए अलग अलग फ्लेवर। ये क्या खा रहे हो भाई, ये हमें पसंद थी भाई, हमें ये मिल गया। पर चलो भाई पानी पीते हैं, रुकिए। शुक्रिया रुद्र भाई आपको हैप्पी दिवाली, अभी देखना कमेंट में भी सब आपको बोलेंगे हैप्पी दिवाली का है। भाई साहब आप हम लोग जा रहे हैं रुद्र, हमें तो घर वाले देखे याद रखना। हट पे हट पे बताना दे रहे, तो अब हम लोग जा रहे हैं रॉकेट जलाने के लिए। भाई इधर हमें जलाओ, उड़बे ना करिए। तो गाइस देख सकते हैं यार अरे बाप, हाथ में ना जलिए, रहने तो रहने अबे लेकिन हाथ पे जल जाओगे, नहीं जलाओगे यात्रों के खिलाड़ी कैसे। गाइस हम लोगों ने जला दिया पटाखा, गाइस ये देखिए गाइस, ए दूर जा तू, अरे ये यात्री आ तो आप एक ना मस्त के हैं उसके बाद। तो भाई साहब हम लोग जा रहे हैं जलेबी जलाने के लिए। अरे इधर ये पिक किए बता देना यार, क्यों नहीं आ गाइस इसे रखे हो आराम का, अपना प्राइम मिनिस्टर का काला हो गया। अरे अबे उल्टा रख रहे हो भाई साहब, इतना सस्ता सस्ता जलेबी रुद्र भाई, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा रॉकेट नहीं लगा कुछ। अभी मैं जाऊंगा दुकान वाले को गाइस, मैं गाली दूंगा, कोई बात नहीं। चलो हम लोग अब एक और जलेबी बची हो चला। अबे जलेबी कूद जाओ हम से, अरे तुम गलत सलत जगह बाहर इतने जहाँ घूमिल ना पाए। तो भाई साहब हो गया हमारा काम, हम लोग आए थे पटाखे दगाने के लिए जो कि हम लोग दगा चुके, अब हम लोग चलते हैं अपने घर और फिर देखते हैं अब आगे क्या करना है। देखो ये तो भाई गोबर में तैर गए। तो भाई साहब हम लोग आ गए अपने घर और पटाखे वटाखे लेके अब बोतल लेके आ गए, अब इसमें हम लोग जलाएंगे रॉकेट और बाकी हम लोग जो गोले वोले लाए हैं वो स्टील की कटोरी पे रख के दगाई जाएगी ताकि वो आसमान में जाए रॉकेट की तरह से लाएंगे भाई वो। हाँ हाँ हक है जिसे बिरयानी एकदम साफ आए। तो भाई साहब अब हम लोग चलते शुरू करते हैं। रोड पे पड़ी थी टट्टी, फैसल ने वो खा ली, आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। तेरा प्यार 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 वाइब है वाइब है।
अपने दे जोड़ा ए लबला ए जल्दी लगाओ अभी वाले देर तक वो देखिए फैसल अभी अपना काम कर रहा है, वो झांक रहा है। फैसल थोड़ा सा अपना मुंह कर रहा है। देखिए तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना। ये देखिए ये है हमारे पास बम और ये रहा हमारे पास कटोरा, ठीक है। तो अब इसको इसके अंदर रख के और इसमें बंद करके फिर हम लोग इसे जला देंगे, फिर देखते हैं कितनी ऊपर जाता है। अगर दिन होता तो आप लोग को ठीक से दिखता, लेकिन अब देखते हैं कैसा आप लोग को दिखेगा। तो जलाते हैं अभी से। बंद करो आप कहाँ गए? अरे यार ये गाइस कटोरा है ये। हाँ मेरे को नौ पैर भाई, एक बार और ही भाई दगने जा रहा है, बता देना है क्या से रहा तुरंत भाई। अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है भाई। ये गाइस ये कटोर आ रहा है, ये गिर गया भाई साहब, एकदम मजा आ गया। पूरा 25 रुपए वसूल हो गया हम लोग का दो बारी में। तो चल और कुछ देखते हैं हमारे पटाखे कहाँ गए, अभी और है। तो भाई साहब पास हो पास पास हो पास हो। तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं बुलेट बम दगाने, जैसे कि आप लोग देख लीजिए पूरा 10 रुपए का हम लोग को पड़ा था। सो अभी से दगाते हैं, देखते हैं इसका क्रेज कैसा है। कटोरे सही था, 10 रुपए के हिसाब से सही है, सब सही है। तो भाई साहब हो चुकी है सुबह और हम लोग घर आके सो गए थे ना गाइस, काफी थक गए थे पटाखे उठाके दगाने के बाद। तो अब हम लोग जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, और देखा एंडिंग हम लोगों ने करी नहीं थी व्लॉग की। सो आज का व्लॉग करते ही एंड, होप करता हूँ आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा। अगर व्लॉग जरा सा भी पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक गुड बाय।